हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद संगीता यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो आज की वीडियो में हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कोई भी हम एक प्रॉपर्टी लेंगे और फिर हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में वो प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है, उनमें क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे रिजिडिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब होता है कि कठोर होना। एक चीज़, एक तरह से कोई भी चीज़ है उसकी एक फिक्स फॉर्म होती है, वो रिजिड होती है, कठोर होती है। तो रिजिडिटी हम देखते हैं कि किस में क्या डिफरेंस होता है रिजिडिटी को कंपेयर करते हैं। तो सॉलिड्स आर रिजिड, मीन्स जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो कठोर होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड्स। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। तो लिक्विड कैसे होते हैं? रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस आर नॉट रिजिड। तो यहाँ पे क्या है? गैसेस भी रिजिड नहीं होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? लिक्विड भी रिजिड नहीं है, गैसेस भी रिजिड नहीं है, लेकिन सॉलिड जो है वो रिजिड है। तो रिजिडिटी का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है? कोई भी हमारे पास जो मैटर है वो कठोर है, यानी कि एक तरह से उसकी एक फिक्स फॉर्म है, वो कठोर है। तो वो कौन सा मैटर की कौन सी स्टेट होती है जिसमें मैटर कठोर होता है? वो होती है सॉलिड। लेकिन जो लिक्विड और गैसेस जो फॉर्म होती है मैटर की, वो कैसी होती है? रिजिड नहीं होती है, कठोर नहीं होती है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास शेप एंड वॉल्यूम। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शेप एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो भी मैटर की स्टेट्स हैं उसमें शेप कैसी होती है, वॉल्यूम कैसी होती है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है, एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड के एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी चेयर हो गया, कोई भी चेयर हो गई, कोई भी वुडन पीस हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, आयरन हो गया, या फिर जो भी आपके घर में विंडो है, डोर है, सब क्या होते हैं? एक तरह से सॉलिड होते हैं और वो रिजिड भी होते हैं। और आप क्या देखते हो? उनकी शेप फिक्स होती है। ऐसे नहीं होता कि जैसे मान लो आपका जो डोर है, आपने उसके ऊपर उस दबाव डाला, उसको कंप्रेस करने की कोशिश की तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या फिर मान लो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सॉलिड क्या होते हैं? उनकी डेफिनेट शेप रहती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। तो लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है? डेफिनेट होती है। मीन्स आपके पास लिक्विड एक लीटर है तो आपके पास वो एक लीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। मान लो आपके पास एक लीटर लिक्विड, अगर आपने उसको किसी बाल्टी में, बकेट में डाला तो वो बकेट की शेप अक्वायर कर लेगा, लेकिन आपने उसको किसी मग में डाला, मग की शेप अक्वायर कर लेगा। आपने उसको किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में आप डालोगे, वो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन वो क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। मीन्स अगर वो 1 लीटर है, मिल्क है या फिर वाटर है, जो भी आपने लिया है, वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी वेसल में ट्रांसफ़र कर दो। तो आपको समझ में आया कि जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट होती है, और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। सो नेक्स्ट गैसेस को कंपेयर करते हैं। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेज में क्या होता है? नाइदर डेफिनेट शेप। जो गैसेज होती है उनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो हमने क्या किया? 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, रिजिडिटी, शेप एंड वॉल्यूम। तो नेक्स्ट है फ्लूडिटी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लूडिटी। तो फ्लूडिटी मतलब क्या है कि एक तरह से फ्लो करना, मतलब एक तरह से बहना। जैसे मान लो आप वाटर डाल देते हो कहीं पे, वो क्या करता है? फ्लो करता है। आपने वाटर डाल दिया तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाता है। लेकिन अगर मान लो आप वहीं पे एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हो तो वो वहीं पे रहता है। आपने कहीं पे अपने घर में चेयर रखी, आपने चेयर रख दी, वो चेयर वहीं पे रहती है। लेकिन अगर आपने कहीं पे पानी गिरा दिया, मान लो आपने किसी में कंटेनर में रखा है तो वो रहेगा वहीं, लेकिन आपने मान लो फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर आपने पानी डाल दिया तो वो बहने लगता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? फ्लूडिटी कहते हैं। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। तो सॉलिड क्या है? फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू अ लोअर लेवल। तो जो लिक्विड होते हैं वो कहाँ से? हायर से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। मान लो आपने ऊपर पानी डाला तो वो जहाँ पर भी नीचे, जो एरिया नीचे की तरफ होगा, पानी उसकी तरफ बहने लग जाएगा। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन जो गैसेस होती है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। तो सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है, और गैसेस सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं।
नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को दबाना, कंप्रेस करना। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एप्रिसिएबली, मतलब जो भी सॉलिड होते हैं उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स कैन बी इजीली कंप्रेस, और जो लिक्विड होते हैं उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उनको इजीली दबा सकते हैं। गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, और जो गैसेस होती है वो भी क्या होती है, इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। तो देखिए आपने जो कंप्रेसिबिलिटी है उसमें क्या पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते, लिक्विड को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को भी हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है, गैस से कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मीन्स जो जिन मॉलिक्यूल से मिलके, जिन एटम्स मॉलिक्यूल से मिलके कोई भी हमारा मैटर बना है, मान लो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हम ले लेते हैं, तो वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या अट्रैक्शन है, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, वो फोर्स किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, वो हमें स्टडी करना है। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तो सॉलिड में क्या होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जो उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को इजीली बाउंड करके रख सकते हैं, और एक उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है, अट्रैक्शन अच्छी होती है, इस वजह से उनकी एक फिक्स शेप होती है। तो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है सॉलिड में वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। लिक्विड्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज़ लेस देन सॉलिड, सो जो लिक्विड की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है वो लेस देन सॉलिड होती है। देखो जो अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, लेकिन सॉलिड में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और लिक्विड में कम होती है। गैसेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज़ द लीस्ट, और सबसे कम किस में होती है, गैसेस में होती है। सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है, गैस में होता है, गैस से ज़्यादा लिक्विड में होता है और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में होता है। सो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज, तो जो स्टोरेज होता है वो कैसे कर सकते हैं, हम सॉलिड लिक्विड और गैस को स्टोर करते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट है सॉलिड्स कैन बी स्टोर्ड विदाउट अ वेसल, सॉलिड को हम किसी वेसल के बिना भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उसको किसी बर्तन में रखना पड़ेगा, किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा, सॉलिड को हम एज इट इज़ स्टोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है लिक्विड कैन नॉट बी स्टोर्ड विदाउट अ वेसल, जो लिक्विड है उसको हम किसी वेसल के बिना स्टोर नहीं कर सकते। मान लो आपके पास मिल्क है, वाटर है, कोई भी ऑयल है, तो आपको उसको किसी ना किसी कंटेनर में, किसी ना किसी बर्तन में डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ दोगे तो वो फ्लो करेगा, बहने लगेगा, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, स्टोर नहीं कर सकते आप उसको। नेक्स्ट है गैसेस कैन बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड वेसल ओनली, और गैसेस को हमेशा क्लोज्ड वेसल में स्टोर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो आपने पढ़ा था फ्लूइडिटी वाला, उसमें क्या था, गैसेस सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर मान लो आपने गैस को किसी कंटेनर में डाल भी दिया लेकिन आपने उसको ओपन छोड़ दिया, तो गैस क्या करेगी, उसमें से मूव कर जाएगी। लेकिन अगर आपने लिक्विड को किसी वेसल में डाल दिया और आपने उसको ऊपर से कवर नहीं किया तो वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की वो फिक्स होती है और वो उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर करके उसमें एज इट इज़ रहता है, लेकिन जो गैस है वो क्या करती है, फ्लो करती है। सो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो हमने ये प्रॉपर्टी कवर की है। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी रिजिडिटी, रिजिडिटी भी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। शेप एंड वॉल्यूम भी सॉलिड की फ़िक्स होती है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। गैस में ना तो उसकी शेप फिक्स होती है ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। नेक्स्ट फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का सॉलिड तो फ्लो नहीं करता है लेकिन लिक्विड में फ्लूइडिटी क्या होती है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होती है, और गैसेस में ऑल डायरेक्शन में होती है। सो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में सबसे कम होती है, मतलब कम क्या, नेग्लिजिबल होती है, होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत होती है तो। और लिक्विड में क्या होता है, उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को भी हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें क्या अट्रैक्शन है, वो होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है बट गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और गैसेस में कैसा होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज, तो हम सॉलिड को विदाउट किसी वेसल के स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड को वेसल में स्टोर करना पड़ता है, और गैसेस को एक क्लोज वेसल में स्टोर करना पड़ता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी
डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।